Assalamualaikum dear kids and a lovely morning to all. I hope you all are doing great at home. So kids, last video से हमने start किया था हमारा Term 2 का syllabus. उसमें हम पढ़ रहे थे हमारा part 5 जिसका क्या topic है, शीर्षक है संकल्प. संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प कहते हैं दृढ़ निश्चय को. जब हम कोई चीज जो है वो decide कर लेते हैं कि इसको हमने अब पार करना ही करना है. तो इसमें स्टोरी किसकी थी, किसकी कहानी हम पढ़ रहे थे. एक लड़का है जिसका नाम अमन है. कह रहे अमन दौड़ते हुए एक दिन अखबार जो लेके अपनी माँ के पास आया और उस अखबार में क्या छपा हुआ था, उसका दसवीं का रिजल्ट. क्या था उसका? टेंथ का रिजल्ट छपा हुआ था जिसमें उसने क्या बताया था कि उसने पूरे स्टेट में टॉप किया है. स्टेट मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राज्य में उसने क्या किया था, टॉप किया हुआ था. तो फिर जब उसने अपनी माँ को ये खुशखबरी बताई, वो सुन के बहुत खुश हो गई और फिर वो अपनी जो थी पुरानी बातें याद करने लगे कि उन्होंने इस टेंथ के लिए, इस दसवीं क्लास के लिए उन्होंने कितनी परेशानियाँ झेली हैं, कितनी मुसीबतें देखी हैं. उनके पास पैसे नहीं थे इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो उन्होंने किन किन रिश्तेदारों से अपने पैसे मांगे थे, या एक जो उनका साहूकार था उनके गाँव में कौन, चौधरी साहब, उससे भी जाके उन्होंने पैसे उधार मांगे थे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया. और ऊपर से जो चौधरी का बेटा था वो भी अमन को बहुत चिढ़ाता था कि मैंने जो है वो, मैं इस गांव का मुखिया का बेटा हूँ, फिर भी मैं दसवीं पास नहीं कर पाया हूँ. मैंने 3 बार 4 बार जो है वो परीक्षा दे के देख लिया, तो तू क्या इसमें पास करेगा. तो आगे हम पढ़ेंगे आप पेज नंबर 27 से सेकंड पैराग्राफ. कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी बेटा, घबराओ नहीं, धीरज रखो, मेरा बेटा पढ़ेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा इंशाल्लाह, माँ ने अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा. जब अमन उसको चौधरी की बेटे की बातें सुना रहा था अपने माँ को, तो माँ ने उसको हौसला देते हुए कहा कि मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह जो है हमारा लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे. माँ बहुत देर तक इस सोच में डूबी रही कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए. अचानक उसके दिमाग में एक विचार पहुंचा और उसको चेहरा, उसका चेहरा जो है वो खिल गया. वह घर के अंदर गई और अपने टूटे फूटे पुराने बक्से से कुछ खोजने लगी. खोजते खोजते उसे एक छोटी सी पोटली मिली. उसने खोला, उसमें उसकी शादी के मिले सोने का कुछ गहने थे. अब माँ जो थी वो अपनी जगह, उसने बेटे को तो दिलासा दे दिया, लेकिन वो अपनी जगह फिर भी परेशान थी कि मैं कैसे अपने बेटे की मदद करूँ, कैसे उसका जो फॉर्म है वो फिल करूँ, कहाँ से मैं पैसे लाऊँ. तो उसको अचानक क्या दिमाग में आइडिया आया, उसको याद आई एक बात. उसने कहा कि मैंने कुछ अपने जो है वो गहने शादी के अंदर रखे हुए हैं. उसने वही जाके देखे, गहने किसके थे? सोने के थे. वह गहनों को निकालती हुई बोली, बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली, लेकिन मैंने इन गहनों को नहीं बेचा. मैं आज इन गहनों को गिरवी रखकर या बेचकर पैसे लाऊंगी, तेरा फॉर्म भराऊंगी, तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी इंशाअल्लाह. इल्म हासिल करने पर इंसान का, इल्म हासिल करना हर इंसान का फर्ज है बेटा. तो जब उसने उनको गहनों को देखा, तो उसने क्या, उसको अपने बेटे को क्या बोला कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी जीवन में देखी, लेकिन मैंने गहनों को कभी नहीं बेचा या उनको बेचने का सोचा भी नहीं, लेकिन आज मैं तेरे लिए क्या करूंगी, इन गहनों को या तो बेच के आऊंगी या फिर गिरवी रखूंगी, लेकिन तेरा फॉर्म जरूर भराऊंगी मैं, क्योंकि जो है वो इल्म हासिल करना हर इंसान पर फर्ज है और मुझ पर भी ये फर्ज है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ और बड़ा आदमी बनाऊँ. अपनी माँ, अमन अपनी माँ से निपट गया. उसका दिल माँ की ममता को अनूप अनुभव पाकर कामयाबी से ऊंची मंजिल तक पहुंचने में मजल उठा. वह बोला, आप बहुत महान है माँ, मैं आपको भी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. और फिर जब अमन ने अपनी माँ का इतना प्रेम देखा, तो उसने उसको प्यार से गले लगा लिया और उसने क्या कहा कि माँ आप बहुत महान हो और मैं आपकी उम्मीदों पर आगे भी जो है वो खरा उतरूंगा. तो ये होगी आपकी यहाँ पे स्टोरी फिनिश. इसको लिखा किसने है? मोहम्मद इलियास हुसैन. लास्ट में जो इसका नाम लिखा हुआ है ना, ये इसका राइटर है स्टोरी का. तो आज के लिए आपका होमवर्क इसके शब्द ही रहेंगे, रिपीट. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.